नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस ने आज एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश मौजूद रहे। दरअसल डोलमार्ग के पास होटल रिवर व्यू में कैसीनो के मामले में सफेद पोश लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने धरना दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल उठाते हुए कहा कि सबको पता है कि वो होटल भाजपा के नेता संचालित करते थे, तो आखिर पुलिस होटल के मालिक पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या फिर नैनीताल जिले में अवैध कसीनो, दोनों मामले में सफेदपोश नेताओं पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। वहीं उन्होंने अवैध कसीनो पर कार्रवाई करने के लिए एसएसपी का आभार भी जताया। उनका कहना है कि राज्य सरकार दबाव बनाकर दोषियों को बचाने का काम कर रही है। इस दौरान विधायक सुमित हृदेश ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कर सभी दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस ने जल्द ही होटल संचालक सफेद पोशों का नाम उजागर नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये साफ जाहिर हो चुका है कि भाजपा की सरकार में अपराधियों को, गैर कानूनी रूप से संलिप्त लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। इसकी ताजा मिसाल गोलमार नैनीताल रोड पे देखने को मिली है। एसएसपी नैनीताल ने अपनी एक अलग छवि बनाई है और यहाँ की जनता को बड़ा भरोसा भी रहा है, और उन्हें कई मामलों का पर्दाफाश किया। बोलबार में जो अवैध कैसीनो चल रहा था उस पर उन्हें छापेमारी की, वहाँ पर पैसा बरामद हुआ, वहाँ पर आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई, वहाँ पर मार बालाएं देखने को मिली, उनकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद ये मामले का पदक्षेप हो जाता है, मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसके मायने साफ है कि सरकार का उन सभी कोषों को जो इस मामले में जो अवैध कैसीनो संचालक हैं, सरकार का पूरा संरक्षण है, पूरा हाथ है, वो उनको बचाना चाहते हैं। यही नहीं, आज एक वर्ष हो चुका है अंकिता हत्याकांड को, उसमें कौन लोग थे, उसमें भी वही सभी कोष थे जो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के करीब थे, उनको आज तक सरकार का पूरा संरक्षण गोल मिला है। और हमने कहा था कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने बिल्कुल सुनवाई नहीं की। आज ट्रक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए थी, उसकी सुनवाई नहीं हुई है। तो मतलब साफ है कि पूरे प्रदेश में जहां पर भी इस तरह के कारनामे सरकार अपराधी लोग कर रहे हैं, गैर कानूनी लोग कर रहे हैं, उसके पीछे सरकार का पूरा संरक्षण है। उस बात कीजिए, सत्ताधारी सफेदपोश कीजिए, कहिए, क्योंकि चाहे किसानों की हत्या हुई हो, 5 किसानों के थार से कुचल के, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संग अपमान हुआ हो, चाहे अंकिता के साथ हुआ हो, चाहे वो पुरोला की घटना हो, चाहे ये कैसीनो कांड हो, सब में भारतीय जनता पार्टी के कोई ना कोई बड़े लोग हैं, जो वीआईपी कल्चर जो इनका है उसमें है। और इस कांड में तो मैं सीधे सीधे कहूंगा, सीधे सीधे आपने बालाओं पे कार्रवाई कर दी, आपने जुआ खेलने वालों पे कार्रवाई कर दी, लेकिन जिसका होटल है, जो मालिक है होटल का और उसके जो पार्टनर्स है, उनके नाम पे सीधे सीधे खुले में उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, ये एक जांच का विषय है। एसएसपी ने अच्छा काम किया, वो यहाँ स्मैक पकड़ी 1 करोड़ की, उसके बाद इसमें छापा डाला, लेकिन शीर्ष नेतृत्व का और पुलिस के आला अधिकारियों के दबाव में मुझे लगता है कि आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही, और एक ईमानदार आदमी को, एक ईमानदार ऑफिसर को काम नहीं करने दिया जा रहा। और हम लगातार प्रदर्शन करें, जब तक सत्ताधारी दल से जुड़े हुए उन लोगों के नाम सामने नहीं आते जो इस होटल के मालिक है या उनके पार्टनर है, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि होटल में जो काम हुआ वो बिना मालिक के और उसके पार्टनर्स की सहमति के नहीं हो सकता था, इतना बड़ा कांड। और ये एक खुली हुई बात है और आम चर्चा है कि कौन पार्टनर्स है, पुलिस को अपने इन्वेस्टिगेशन में उनके नाम का खुलासा करना चाहिए। कई लोग हैं इसमें तोते की जान राक्षस में बसी है, राक्षस की जान तोते में बसी है, राक्षस कौन है, तोते कौन है, इन सबको पकड़ी है, और संलिप्त हैं जो लोग उनको संरक्षण साफ तौर पे सरकार दे रही है। और पुलिस की तो हम तारीफ कर सकते हैं, कप्तान साहब की, मैं कप्तान साहब की विशेष तारीफ करता हूँ, उन्होंने आते 1 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़ी, आते ही उन्होंने ऐसे कसीनो का जो काला गोरख धंधा चल रहा था और कई समय से चल रहा था, जो जानकारियां प्राप्त हो रही है, और ये सारी जानकारियां पुलिस के पास आ चुकी है, अनुबंध उनके पास होगा। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे पेपर लीक मामला हो, चाहे कसीनो प्रकरण हो, लगातार देवभूमि को शर्मसार करते हैं, और ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म का पाठ पढ़ाने में पीछे नहीं हटते,
लेकिन खुद गोरख धंधे चलाकर अपने घरों का पालन पोषण करते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असलियत है, इनके लोगों की असलियत है। तो ये थी हल्द्वानी से हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे जे एन न्यूज के साथ। नमस्कार।